अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर, कैसे हैं? ठीक है आप? घर पे बात सुन रहे जी। अरे मैं उनसे पूछता हूँ, फिर आप अंदर चले जाए। किससे पूछ रहे हैं? मुंशी से पूछता हूँ, और किससे पूछना भाई, आप हमारे भाई आए हैं भाई, वो बनवाने के लिए अपना फिल्म है, तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ, आप चले जाए। अच्छा, पहली बात ये है कि हम कोई फिल्म नहीं बनाने आए, दूसरी बात ये कि मेरी जगह है। कौन सी? आम आदमी की जगह है, थाना। थाना आपके लिए है? हाँ जी सर, थैंक यू। मचा जी एक सेकंड, यार मेरी नहीं, 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 एक नहीं, सेकंड, नहीं, सर कोई झगड़ा ही नहीं है, नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कैमरे कैमरा नहीं अंदर आएगा, आप बात करें, कैमरा अंदर नहीं आएगा। सर एक सेकंड, सवाल करें, किस कानून के मुताबिक? मैं आपको एसओपी बताता हूँ, सीसीपीओ की तरफ से, सर मुझे सारे पता है, एक कैमरा, मैं चेक करवा दे, हम यही खड़े हैं सर, कोई मसला ही नहीं, कैमरा बाहर करें सर, एक सेकंड, मैं सर कह रहा हूँ मसला नहीं, तारिक साहब आप एक सेकंड प्लीज, कैमरा चार्ज कौन है, एक सेकंड, मैं फिलहाल मैं बताता हूँ, एक मिनट सर, आप बाहर हैं सर, एक सेकंड रिलैक्स, आप अंदर रहें, कैमरा अंदर नहीं आएगा, कैमरा दरवाजे पे खड़ा, आगे नहीं जा रहा, नहीं इधर इधर से आगे, आप हमें एसओपी दिखा दें, मैं आपको दिखाता हूं, मैं कह रहा हूं आम आदमी का इस थाने में आना मना है, आम आदमी नहीं, कोई भी आए कैमरा नहीं आएगा। आपकी डेजिग्नेशन क्या है? मैं मुहर्रर हूं इधर, मुहर्रर जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, चीफ जस्टिस चीख चीख के थक गए कि रास्ते खुलवाए जी जी, शहबाज शरीफ के बेटे प्लीज, हमजा शहबाज सारे रास्ते खुलवाए गए, ये आपने गली पे कब्जा कैसे किया हुआ? नीचे आ जाए आम आदमी के, नहीं आप हमें सारी गाइडेंस ना ना दें, हम अपनी मर्जी से काम करें, मैं इधर खड़े हो जाए, मैं बताता हूँ, इस टाइम आप थाने से बाहर हैं? नहीं अभी ये थाने से बाहर अंदर है, कहाँ पे? ये अभी बाहर है, कैमरा बाहर का, सर एक सेकंड, दरवाजा भाई, कैमरे बाहर है, हम थाने के बाहर खड़े हैं, इधर आ जाए, मुझे बताएं, मैं बताता हूँ, मुझे ये बताएं कि ये गली पे कब्जा क्यों है? गली के कब्जा नहीं है, नवाज शरीफ की सारी, जब मैं आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मैं जब जवाब दे रहा हूँ, फिर आप शहबाज के रास्ते खुलवा दिए, इसहाक डार के खुलवा दिए, किसी को इजाजत नहीं दी कि वो गलियां बंद करे, रास्ते रोके, आप कैसे रोक के बैठे? ये किराए की बिल्डिंग है। अच्छा जी, इसमें माल सरकार रखने के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है, ये जो मोटरसाइकिलें हैं माल सरकार है, इसीलिए ये बाहर खड़ी की। ये किसका मसला है? ये गवर्नमेंट का मसला है, महकमा पुलिस का मसला है ना? जी जी, वो बिल्डिंग नहीं है, आम आदमी को क्यों फार कर रहे हैं? किस आम आदमी को भाई? ये आम आदमी सारे खड़े हैं, दिखाएं ये कैमरा, ये सारे आम लोग हैं, हाँ, इनकी गली है, इनका रास्ता है भाई, हाँ, महलेदार है, इनको ख्वार किसी को कोई ख्वार नहीं कर रहे, इसके बारे में एसओपी बनाई गई है, ये मालखाने में जमा करवा रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये इतनी शॉर्ट टर्म का काम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म। कितना टाइम लगता है एक गली खोलने में? चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर के मुताबिक किसी को रास्ता बंद करने का है, ये हम इसको बाहर नहीं फेंक सकते, इसको जमा ही करवा सकते हैं ना, तो क्यों नहीं जमा जमा करवा रहे हैं? रिकॉर्ड दिखा दें कि पिछले एक महीने में आपने यहाँ से कितना माल कहीं जमा करवाया, बता दें, वो दिखा दे कोई रिकॉर्ड। ये हमारी एसओपी के तहत हम अफसरों के नोटिस में है, हम ये सब कुछ कर रहे हैं सर। जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, मुझे आप बता दें, आपने कहा हम जमा करवा रहे हैं, अभी आपने कहा अफसरान के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं, यार जमा करवाने का प्रोसीजर होता है ना, इनके चेसी नंबर, इंजन नंबर, जो प्रोसीजर बता दें क्या है? प्रोसीजर होता है कि इनके चेसी नंबर, इंजन नंबर, एंटी मोटरसाइकिल लिफ्टिंग को बताते हैं, वो चेक करते हैं किसी मुकदमे में तो नहीं है, बाकी जो लावारिस मोटरसाइकिल होती हैं वो जमा करवाते हैं। आए साथ आए, नहीं जा रहे सर, साथ आए ना, आप थाने के बाहर आने से भी परेशान हो रहे हैं, बता दें बता दें मुझे, मैं आपको मोटरसाइकिल दिखाना चेक करवा दें सर, आए ना सर, कैमरा मैन उधर कर ले भाई, आप साथ आएंगे तो मैं खड़ा हूं इधर देख रहा हूं। यार अजीब शाही रवैया भाई, हम आम आदमी के रिप्रेजेंटेटिव है ना, जी जी। आम आदमी का मसला लेकर आए, कब्जा भी आप करें, उसके बाद शाही रवैया भी दिखाएं, और दो कदम उठाने के लिए ना अंदर जाने दें ना बाहर आने, कैमरा अंदर नहीं जाएगा ये भाई, एक सेकंड, सीसीपीओ साहब को ये भी बताएं कि हम रास्ते रोक के बैठे हैं, उनको ये भी बताएं कि आम आदमी के बारे में कर रहे हैं, इसके बारे में कर रहे हैं। आइए जरा मेरे साथ, मैंने आपको चेसिस नंबर दिखाने हैं ना, इंजन नंबर, चेसिस नंबर मैंने आपको दिखाने हैं, किस चीज के, जिसका आप ये कहते हैं कि जी हम कर रहे हैं, ये पिछले 10-10 साल से यहाँ पर मोटरसाइकिलें बंद है, मुझे बताएं क्यों नहीं गई? रास्ता क्यों मेरे पास चार्ज इसी महीने में आया, मैं करंटली इसी महीने में मैंने महरर का चार्ज लिया है, ठीक है, ठीक हो गया ना, अभी मैं इसको बारे में कर रहा हूँ डिस्कस। आपसे पहले भी यहाँ मुहर्रर था, ठीक है, थाना, देखिए एक चीज ध्यान में रखें कि रियासत अफराद के आने या जाने से बंद नहीं होती, जी जी, रियासत का इदारा है ना थाना, बिल्कुल, आपसे पहले बंदा भी यहाँ पर मौजूद था, उससे पहले भी मौजूद था, हम तो आपसे इख्तलाफ ही नहीं कर रहे, हम तो निजाम की बात कर रहे, मैं कह रहा हूँ ना कि वो हम कर रहे हैं, इसके बारे में मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर रहे,
वो कर रहे हैं, दिखा दे जो कर रहे हैं। ठीक है आप बंद करें, आ जाएं मेरे साथ। नहीं बंद नहीं करें, हमने आपसे छुट्टी नहीं लेनी, बंद कर रहे हैं। आ जाएं मेरे साथ, मैं चेक करवाता हूं। कैमरा नहीं, कैमरा अंदर नहीं, प्लीज कैमरा अंदर। तो फिर हम देखेंगे कैसे भाई। मैं नहीं, इस कैमरा मेरी बात सुने, हम देख आप बार उठा दे, मैं कैमरा नहीं, मसला हल कर देते हैं, आप बार उठा दे, कैमरा नहीं, मैं यही खड़ा हूँ सर, आप बात रिकॉर्ड बुला लें, अब थाने का रिकॉर्ड गलियों में आएगा, बुला लें बात, ले रिकॉर्ड ले। थाना कोटलखपत के गेट पर खड़े हैं, दाखिली दरवाजे पर, जिसके बारे में ये कहा गया है कि रास्ते तो रोके जा रहे हैं और बहुत सालों से इन रस्तों में पड़ी आम आदमी की प्रॉपर्टीज को आगे कहीं भेजने की भी दास्तान सुनाई जा रही है, लेकिन हकीकत क्या है, मेरा ये कैमरा दिखाए, वो बिल्कुल सामने मोटरसाइकिल्स हैं जो कि पेट्रोलिंग के लिए दिए गए थे। इस टाइम गेट को अंदर से ताला लगा दिया गया है, ये आम आदमी की जगह है, आम आदमी का थाना है, टीम लाहौर पूछता है, आम आदमी की आवाज है, हम यही मौजूद हैं इसी शाही थाने के गेट पर शहबाज शरीफ की प्यारी प्यारी पुलिस का असल चेहरा दिखाने के लिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार के ऑर्डर्स को यहां पर किस तरह हवा में उड़ाया जा रहा है, हम दस्तक देंगे। खुदा का खौफ करें, आप आम आदमी की ऐसी तैसी किए जा रहे हैं और बातें सुना रहे हैं यार। इंतजार की घड़ी टिक टिक कर कर चलती जा रही है, इस वक्त टीम लाहौर पूछता है को थाना कोटलखपत पहुंचे तकरीबन 50 मिनट गुजर चुके हैं और पुलिस ने टीम लाहौर पूछता है आम शहरी आम लाहौरी की आवाज को थाने की शाही दहलीज तक महदूद कर रखा है। हमारे यहां आने का मकसद सिर्फ एक था कि आम आदमी का रास्ता क्यों रोका गया, कौन सा वो शाही हुक्म है जिसने आम आदमी के रास्ते को बंद करने के ऑर्डर्स जारी किए। जहां पर मौजूद हैं, 50 मिनट गुजर चुके हैं, शाही अफसरान अंदर अपने फुरफुर के कपड़े समेटने में मसरूफ हैं और टीम लाहौर पूछता है को शाही दहलीज तक महदूद कर दिया गया है। हम यहां मौजूद हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी सहाफती जिम्मेदारी अदा करते हुए आम शहरी के जानने के हक को उस तक पहुंचाएं, ख्वाह उसके लिए हमें कोई कीमत भी अदा करनी पड़े। पुलिस बकायदा अपने तेवर दिखाने की कोशिश कर रही है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा एहलकार बाहर आता है, टीम लाहौर पूछता है को घूरता है और उसके बाद फिर अपने शाही कमरों में घुस जाता है। हम यहाँ मौजूद हैं और आज ये जाने बगैर यहाँ से ना जाने का इरादा रखते हैं कि आम आदमी का रास्ता चीफ जस्टिस के ऑर्डर्स के बावजूद क्यों रोका गया, कैसा रोका गया और कौन है वो इतना बड़ा अफसर जो इन रस्तों को खुलने नहीं देता। कितना पेट्रोल मिलता है आपकी मोटरसाइकिलों को गश्त के लिए? मोटरसाइकिलों का तो मैंने बता दिया कि मेरे पास रिसेंटली जो है वो कोई मोटरसाइकिल नहीं, कोई एक मोटरसाइकिल भी आपके पास गश्त के लिए नहीं है। थाना कोर्ट लगता है, बोला था कैसे सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां पूरी करते हैं? पहले मोटरसाइकिलें थी वो खराब हो गई हैं, वो हमने देखी बार हमारे पास खड़ी हैं, अभी न्यू हमारे पास कोई हमें इशू नहीं की। अच्छा कैसे करते हैं गश्त, कैसे करते हैं वो बताएं। गश्त अगर वो प्राइवेट मोटरसाइकिल और हमारे पास दो गाड़ियां हैं सरकारी, एक एस एच ओ साहब के पास होगी, एक चौकी इंचार्ज के पास, एक चौकी इंचार्ज के पास, तो गश्त कहां गया? गश्त से मुराद है आम आदमी की सिक्योरिटी के लिए जो गश्त किया जाता है, वो आम आदमी की सिक्योरिटी के लिए करते हैं, प्राइवेट मोटरसाइकिल पे किया जाता है, नहीं सरकारी गाड़ियों पे। अभी हमारे पास रिकॉर्डेड है भाई, आपकी ऑडियो रिकॉर्डेड है और दूसरी बिल्कुल इस टाइम मैं चाहूंगा कि जिस वक्त ये हमें अंदर नहीं आने दे रहे थे, कैमरास को रुका हुआ था, जो ऑडियो इनकी हमारे कैमरास ने रिकॉर्ड की वो सुनिए। सिक्योरिटी के हवाले से गश्त पे इन्होंने क्या कहा था, मुहर्रर हैं, चंद दिन यहाँ पर आए हुए, जैसे इस इलाके में मुहर्रर पहली दफा है। देखिए कितने मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग करते हैं? मोटरसाइकिल मेरे पास कोई सरकारी नहीं है। आपके इलाका थाना में कोई गश्त नहीं होता मोटरसाइकिल पे आपके थाने से? मेरे प्राइवेट मोटरसाइकिलों पे प्राइवेट मोटरसाइकिल का फ्यूल बंद देते हैं वो जो मुलाजिम गश्त करते हैं, मुलाजिम गश्त करते हैं वो उन्होंने ही करना होता है, उनके पास कार्ड होता है।
कह दें उनके पास भी कार्ड होता है, ऐसे ड्राइवर के पास कार्ड होता है। आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ, आप मुझे जवाब ना देके क्वेश्चन। कितने का उसके पास कितना पैसा होता है अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के लिए जिससे उसने गश्त करना है? वो जो भी अपना एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट कर लेते हैं क्या मतलब है इसे एडजस्ट करने का? लेके आप जो आप बात कहना चाह रहे हैं ना, जो पैसे किसी से लेके करते हैं वो आप, मैं नहीं कर, आपको ये कहूंगा कि वो पैसे किसी से लेके करते हैं। एडजस्ट कैसे करते हैं मैं वो बता दें, हम आपकी बात मानते हैं। माशाल्लाह अच्छी खासी पे है उनकी, जिम्मेदार ऑफिसर हैं सारे। यानी कि आपका एक सिपाही अपनी जेब से, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ के लाहौर की, वो अपनी तनख्वाह से पेट्रोल डलवा के काम करता है, मुहाफ़ज़ा आउट करते हैं बिल्कुल। तो आपके पास तो सरकारी मोटरसाइकिल है ही नहीं ना, तो यानी कि सारे रोजाना आपके पास मुहाफिज जो है वो अपनी मोटरसाइकिल पे जाते हैं, अपनी पल्ले से पेट्रोल डलवा के। जी आपने इनकी वो बात सुनी कि हम प्राइवेट मोटरसाइकिलों पर गश्त करते हैं, जिसमें इन्होंने डिफेंड भी किया कि अहलकार अपनी जेब से पेट्रोल डलवाते हैं। पहले तो यही जुर्म है कि मेरा एक पुलिस अहलकार, मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूँ मेरा एक पुलिस अहलकार, क्योंकि ये लोग हम में से हैं, इनको इनकी तनख्वाहों से तेल क्यों डलवाना पड़ा? आपको अप्रिशिएट करना चाहिए पुलिस को, आप कह रहे हैं डिफेंड कर रहे हैं। अप्रिशिएट करूं जी जी, किस चीज के लिए? कि वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं आवाम की हिफाजत के लिए अपनी मोटरसाइकिलों से, अपनी जेब से। हाँ तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना पुलिस को आपको। प्राइवेट मोटरसाइकिल पे गश्त करना कानून? बिल्कुल, अगर हमारे पास नई सरकारी है तो अपने वसाइल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लाहौर में सरकारी मोटरसाइकिल नहीं है? नहीं, आप ये कहना इतनी अवेलेबल हैं वो उतनी उन्होंने थाने में तकसीम की हुई है, हमारे पास नई नहीं अभी है सर, पिछले ये तो अप्रिशिएट करने वाली बात है ना पुलिस। नहीं सर, नहीं बिल्कुल भी नहीं अप्रिशिएट करने वाली। इसमें क्या अप्रिशिएट करने वाली बात ये है कि जो टैक्सेस से पैसा हम देते हैं वो सही जगह पर लगे और मेरा हर पुलिस अहलकार खुशहाल हो, उसको किसी की जेब पे नजर ना रखे। नहीं माशाल्लाह इतनी तनहाए हैं पुलिस की, वो किसी की जेब पे अब नहीं होता। पक्की बात है 100% सर, लोग ये सब जानते हैं। नहीं सर बिल्कुल, और ये रोज भुगतते हैं और लॉरियन सारा बिल्कुल, आप पुलिस पे पूरा एतमाद है, पूरा एतमाद है। अच्छी ख्वाहिश है जी, हम इनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हैं, बहसियत इंसान बहसियत लाहौरी हम इनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हैं कि शायद ये गुमान जो पाले बैठे हैं वो बेहतर होगा, ठीक होगा।